इसी अच्छे गाने या धुन से दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसलिए कभी जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में भी मधुर संगीत बजाया जाता है। जब भी हम कोई अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं तो हमारी सांस और दिल की धड़कन भी कभी गाने की धुन को मैच करके उसकी गति से चलने लगती है। आंखों में मौजूद कॉर्निया इंसान के शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसे ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। कॉर्निया को ऑक्सीजन सीधे हवा से मिलती है। हमारे शरीर में जितने भी दो अंग मौजूद हैं उनमें से अगर एक को निकाल भी दिया जाए तो इंसान एक अंग के साथ भी जीवित रह सकता है। हमारा शरीर हर दिन 330 बिलियन कोशिकाएं बदलता है और इस गति से हमारे शरीर में हर सेकंड 3.8 मिलियन कोशिकाएं बनती हैं। स्वस्थ इंसानों का दिल एक मिनट में 75 बार, एक दिन में 1,00,000 बार, एक साल में 35 बिलियन बार और पूरे औसतन उम्र में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। इंसानों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुषों के शुक्राणु है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका स्त्रियों के अंडाणु है, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। जन्म के समय इंसान के शरीर में 300 के करीब हड्डियां होती है, लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और 206 ही रह जाती हैं। हमारे शरीर की लंबाई पूरे दिन हल्की सी बदलती रहती है। सुबह के समय हमारी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जबकि शाम को हम 1 सेंटीमीटर तक छोटे हो जाते हैं। इंसानों के शरीर की हड्डियां लगभग हर 10 सालों के बाद खुद को बदलती है और इस प्रक्रिया को मॉडलिंग कहा जाता है। इसमें पुरानी हड्डियां खुद को बदलकर नए हड्डियों में परिवर्तित करती हैं। हमारे दिमाग में पैन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये दर्द महसूस नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई बार दिमाग की सर्जरी इंसान को बिना बेहोश किए भी की जाती है। इंसान जब भी जन्म लेता है तो वह सिर्फ दो डर के साथ ही पैदा होता है, जो कि है गिरने का डर और ऊंची आवाज से डर। बाकी के सभी डर इंसान बड़े होने पर धीरे धीरे समझने लगता है। दांत हमारे शरीर के इकलौते ऐसे अंग है जो खुद ठीक नहीं हो सकते, जबकि शरीर के बाकी सभी अंग चोट लगने पर खुद को ठीक कर लेते हैं। और हमारे दांत पूरे सफेद रंग के नहीं होते बल्कि हल्के पीले रंग के होते हैं। इंसान के अंदर हर दिन 1 से 2 लीटर तक लार यानी सलाइवा बनता है और पूरे उम्र में हम 40,000 लीटर तक लार बनाते हैं, जिससे कि 2 स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। जब इंसानों के बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म के समय ज्यादातर बच्चों की आंखें नीली होती है और ऐसा उनमें मेलानिन की कमी के कारण होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी आंखें अपने प्राकृतिक रंग में आ जाती हैं। सभी इंसानों के शरीर की महक अलग अलग होती है, जिसके कारण कुत्ते इंसानों को या छोटे बच्चे अपनी माँ को पहचान सकते हैं, लेकिन इंसानों की यह महक इंसानों के फिंगरप्रिंट जितनी सटीक नहीं होती है। महिलाओं का दिल पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसा महिलाओं के शरीर की आकार की वजह से होता है, जो पुरुषों के मुकाबले छोटी होती है, इसलिए दिल को खून को पंप करने में कम मेहनत लगती है। हमारे आंखों की मांसपेशी हमारे शरीर की सबसे तेजी से चलने वाली मांसपेशी है। किसी भी प्रकार के चोट या किसी घटना के एहसास होने पर हमारी आंखें बहुत ही जल्दी बंद हो जाती है, जिससे यह खुद को बचा सके। त्वचा इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इंसानों के शरीर से हर दिन 500 मिलियन के करीब मरे हुए स्किन सेल्स निकलते हैं। हमारे घरों में बार बार धूल मिट्टी के जमा होने का कारण भी यही सेल्स होते हैं। आयरन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर में औसतन 3 से 4 ग्राम तक लोहा मौजूद होता है, जिससे एक कील तक बनाई जा सकती है। इंसानों में ब्लड ग्रुप का पता लगाना एक मुश्किल कार्य होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक 30 के करीब ब्लड ग्रुप का पता लगाया है, लेकिन इन्हें आसान बनाने के लिए इन्हें ABO ब्लड ग्रुप में बांटा गया है। बहुत से लोगों को कान की गंध अजीब लगती होगी, लेकिन यह गंध कानों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह कानों को बैक्टीरिया से बचाती है और बाहर की धूल मिट्टी जैसी गंदगी या कीड़ों को कानों के अंदर जाने से रोकती है। जब हम छींकते हैं तो हमारे छींकने की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, इसलिए छींक को रोकने से दिमाग या कान पर असर पड़ सकता है, लेकिन इतनी तेज गति की छींक को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। जो भी लोग हमारे हाथों की छोटी उंगली को व्यर्थ समझते हैं, उन्हें बता दें कि हमारे हाथों की 50% ताकत छोटी उंगली की वजह से ही आती है, और आप इसे अपनी छोटी उंगली को खड़ा रख के बाकी उंगलियों से मुक्का मारकर देख सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद दोनों गुर्दों का आकार हमारे आंख या कानों की तरह एक समान नहीं होता, बल्कि हमारा बायां गुर्दा दाएं गुर्दे के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, और ये छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसकी थोड़ी जगह दिल ले लेता है। लीवर हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह पुनः विकसित हो सकता है।
अगर लीवर को दान कर दिया जाता है या हम किसी बीमारी के कारण इसे खो देते हैं तो यह कुछ ही हफ्तों में खुद को पूरी तरह पुराने आकार में विकसित कर लेता है। इंसानी शरीर बहुत से तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें से एक तत्व सोना है। एक औसतन 70 किलोग्राम के इंसान के शरीर में 0.2 मिलीग्राम तक सोना मौजूद होता है, लेकिन इस सोने को इंसानी शरीर से नहीं निकाला जा सकता। रिसर्च के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रंगों को देख सकती हैं, और पुरुष एक मिनट में औसतन 11 से 12 बार अपनी पलकों को झपकाते हैं, जबकि महिलाएं हर मिनट में 15 से 20 बार अपनी पलकों को झपकाती हैं। अगर आप भी बाल झड़ने से परेशान हैं तो आपको बता दें कि एक स्वस्थ इंसान के हर दिन औसतन 50 से 100 बाल झड़ते हैं, जो कि बिल्कुल आम बात है। लेकिन अगर आपके बाल इससे ज्यादा झड़ते हैं तो ये जरूर चिंता का विषय है। इंसानों के जीभ में 2000 से 8000 तक स्वाद की कलियां होती हैं, जिन्हें बड्स कहते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद ये कलियां कम होने लगती हैं या सिकुड़ने लगती हैं। इसलिए बुढ़ापा आने पर हम खाने के स्वाद का सही से पता नहीं लगा पाते हैं। हमारे शरीर की 20% ऊर्जा हमारा दिमाग ही इस्तेमाल करता है, और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं और न्यूरॉन्स होते हैं, और यह सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग भी है। हमारे हाथों में बीच की उंगली के नाखून सबसे तेजी से बढ़ते हैं, जबकि हमारे पैर के नाखून हाथों के मुकाबले 4 गुना धीमी गति से बढ़ते हैं। मतलब अगर हमारे हाथों के नाखून 10 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं तो पैरों के नाखून 40 दिनों में 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के शरीर की भी खुद की रोशनी होती है, और यह पूरे दिन चमकती रहती है, लेकिन यह हमारे आंखों की संवेदनशीलता से 100 गुना कम होती है, इसलिए इस रोशनी को आंखों से देख पाना नामुमकिन होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रोशनी हमारे सिर पर होती है। हमारी जांघों पर मौजूद द फेम्योर नाम की हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, जो हमें चलने और खड़े रहने में मदद करती है, जबकि इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी द स्टेपीज होती है, जो कानों के बीच मौजूद होती है, और इसका आकार सिर्फ 2.8 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आंख शरीर का ऐसा इकलौता अंग है जिसका आकार जन्म लेने से बुढ़ापे तक एक समान ही रहता है। हमारे पेट में मौजूद एसिड इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये धातु और प्लास्टिक जैसी चीजों को भी हजम कर सकते हैं। एक औसतन इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 33 टन तक खाना खा जाता है, जो कि 6 हाथियों के वजन के बराबर होता है। हमारे दिमाग का दाहिना हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को काबू करता है, जबकि दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से को काबू करता है। इंसानों की लंबाई किसी उम्र के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन कान और नाक इंसान के शरीर के ऐसे अंग हैं जो पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं। दांत हमारे कंकाल का ही एक हिस्सा है, लेकिन दांतों को हड्डियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इंसानों की हड्डियां स्टील के मुकाबले हल्के होने के बावजूद भी 5 गुना तक मजबूत होती है। हमारे जबड़े की मांसपेशी हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, और इसे मैस्टर कहा जाता है। जब भी हम कुछ निगलते हैं तो कुछ देर के लिए हमारी सांसें रुक जाती है, मतलब कि हम एक साथ निगलना और सांस नहीं ले सकते।